अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा के अंदर विजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। किसी भी तरह की आपको यहाँ पे पैसे नहीं पे करने, आपको इसके साथ साथ फ्री डोमेन भी मिलेगी कैनवा की तरफ से, जो कि सब डोमेन होगी कैनवा की। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये हम करें। आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है वेबसाइट का। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसको एक्सेस करना चाहें तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और हमारे पास सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे राइट नाउ क्लिक कर देता हूँ। और मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स की प्री बिल्ट जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद होंगी। इसको लोड हो लेने दें। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आपको जिस पर्पज़ के लिए बनानी वो पर्पज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगेन फैशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी वेबसाइट जो फैशन के रेलिवेंट टेम्पलेट्स हैं डिज़ाइन हुई हुई हैं उनको आप यूज़ करके उनको एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए उसके अंदर, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कोई येलो कलर वाली टेम्पलेट हो या ग्रीन वाली हो, तो मैं कुछ इस तरह से फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। बट राइट नाउ कोई भी फैशन के अंदर मौजूद नहीं है, फैशन को मैं रिमूव करके फिर अगेन जो है वो ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ या कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, तो उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं मेरे पास शो हो जाएंगी। तो ओके राइट नाउ कोई भी मौजूद नहीं है, हम क्या करते हैं कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ऑरेंज कलर की जितनी भी वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरह से जिस तरह की भी आपको टेम्पलेट चाहिए होगी वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई भी वेबसाइट, लेट्स सपोज बिजनेस वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास या फोटोग्राफी वेबसाइट, और यहाँ पे देखें हमारे पास एक पेज की वेबसाइट है, राइट। आप मल्टी पेज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप एडिट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेट्स सपोज मैं आप लिख देता हूँ एहसान, इस इमेज को रिप्लेस करके मैं अपनी इमेज लगा लेता हूँ यहाँ पे। लाइक दैट, और इसको मैं एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें मुझे एडिट करनी है वो मैं एडिट कर सकता हूँ। और इसके बाद सिंपल मुझे यहाँ से इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ये यह देखें फ्री डोमेन मेरे साथ क्लिक हुई और मैं इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चीज़ भी आप लिखेंगे वेबसाइट डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे शो होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोग्राफी, राइट। और यहाँ पे मैं अगर कुछ एडिट करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज एहसान दानिश फोटोज, जैसे यहाँ पे अपवर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पे भी यहाँ पे शो होगा। और ये जो आइकन यहाँ पे देखें लगा हुआ है, यहाँ पे अपवर्क आइकन लगा हुआ है, इस तरह से आप अपना आइकन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है मैं वो आइकन यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा मेरे पास ये आइकन मौजूद है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस। तो ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे, जैसे अपलोड होगा तो इस जगह पे जिस तरह ये है हमारा वो वाला आइकन शो हो जाएगा जो हम शो करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं इसको पब्लिश करूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो रही है और ये मुझे एक लिंक दे देंगे और वो लिंक दुनिया में आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को शो करवा सकते हैं आपकी एक्चुअल वेबसाइट है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन करके दिखाऊं तो ये वेबसाइट आपकी चलेगी इस तरह से। अब मज़ीद इसके अंदर आपने एडिट्स करने हैं, यहाँ पे देखें आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। मज़ीद अगर आपने इसके ऊपर एडिट्स करने हैं तो आप वापस जाके एडिट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और अगेन इसके अंदर जो जो चीज़ें रिप्लेस या ऐड करनी है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक जो है टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरह से बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे मौजूद मेरी अपनी वेबसाइट है ehsandanish.com। तो अगर मुझे इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा,
उसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको तमाम चीज़ें ए टू जी बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वेबसाइट ज़रा ओपन हो, तो हमारे पास टॉप की तरफ मेन्यू होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारी इमेज होगी, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा, और फिर इस तरह से आप डिज़ाइन करते जाएंगे। तो चलें चलते हैं, इसको हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे लगाना है एक लोगो अपना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना लोगो सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लोगो एडजस्ट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे मेन्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे ये है होम सर्विसेज अबाउट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉपिंस का जो है वो मैं फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम। उसके बाद इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अगेन कॉपी पेस्ट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे तीन चीज़ें ही रख दूँगा, कॉन्टैक्ट अबाउट, राइट। ये तीन जो है मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, कॉन्टैक्ट। अब मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर टोटल 3 पेजेस चाहिए, जो कि मुझे ये वाले चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं होम पेज ये वाला डिज़ाइन कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से लुक का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मीडियम की, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है इस तरह का, तो मैं अगेन इसको कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ये वाला जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ, बीस पे, लाइक दैट। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ओके। अब कुछ लुक निकल के आई हमारी, और यहाँ पे मैं अगेन, अब मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे नॉर्मल पॉपिंस यूज़ करूँगा, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास, मैंने जल्दी जल्दी में एक बेसिक सा लुक लेके आया हूँ मैं इसके ऊपर, लाइक दैट, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप आएंगे, अपनी इमेज अपलोड करेंगे, जो भी आपके एसेट होगा उसको आप इस तरह से अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे देखें, ये हमारा होम पेज रेडी हो चुका है। अब इस होम पेज को मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखें, अगर मैं मोर पे जाऊँ और इस वाले टेक्स्ट के ऊपर
सिंपल, ये हमारे पास तीन आइकन्स हैं हमारे पास, राइट। अब मेरे पास होम पेज तो मैंने जल्दी जल्दी में डिज़ाइन किया जिस तरह का भी था, जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह से एलिमेंट्स को यूज़ करना है। तो ये एक होम पेज तो हमारे पास हो गया, राइट। अब मुझे ये अबाउट और कॉन्टैक्ट डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड न्यू पेज। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं अभी जल्दी से कोई टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर देखें, अच्छा लेआउट्स मौजूद हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं इमेज लगा दूँगा कोई भी, यहाँ तक काट दें। ओके, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पेज आ चुका है। इस पेज के ऊपर हमने अबाउट लगाना था, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा दिया जस्ट आपको समझाने के लिए कि सेकंड पेज किस तरह से काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर आप जाएंगे और लेआउट्स में जाएंगे तो डिफरेंट लेआउट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। तो अभी चले मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ और इस पर हम अबाउट अस वाला ही लेआउट लगाते हैं। तो मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ। ओके, अबाउट का कोई लेआउट है नहीं, हमें कोई भी लेआउट को अबाउट का लेआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं सिंपल कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं इमेज लगा दूँगा, जो भी इमेज मुझे चाहिए होगी। तो ओके, देखें ये अबाउट वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे हमने होम पेज बनाया था, ये अबाउट वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन जो है वो यहाँ से बना लूँगा सिंपल। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा टेम्पलेट्स के अंदर लेआउट में आऊँगा और यहाँ पे जो भी मुझे सूटेबल वो चाहिए होगा वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी आइकन यूज़ कर सकता हूँ, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसकी जगह पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ईमेल वाला यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई और यूज़ कर सकते हो जैसे एड्रेस वाला या कोई भी आइकन जो भी आपका सूटेबल लगे। राइट नाउ मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कोई भी आइकन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ज़रा वो करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पेजेस की वेबसाइट बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना है कि यहाँ पे देखें, ये हमारी एक वेबसाइट है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ऐड नोट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस नोट की जगह पे मैं पेज टाइटल दूंगा, इसको मैं दूंगा होम पेज, राइट। इसको मैं एंटर कर दूंगा। इसी तरह से इस वाले पेज पे आऊँगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नोट पे आके इसको मैं अबाउट का नाम दूंगा, ठीक है, अबाउट। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा इस पेज पे और इसको मैं टाइटल दूंगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये मेरे पास हो चुका है। अब मैं देखता हूँ इसका प्रीव्यू करके, तो सिंपल मैंने इस पर प्रीव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें विद नेविगेशन। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला नेविगेशन शो हो रहा है हमारे पास, ये देखें कुछ इस तरह से। बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला नेविगेशन शो ना हो, बल्कि इस पर क्लिक करने के बाद से ये इस तरह से बिहेव करे। तो मैं इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले ये पहला होम पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने होम पेज सिलेक्ट कर लिया, इसका मैं क्या कर लेता हूँ, लिंक कर देता हूँ इसको होम के साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड पेज है जिसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर करके इसको मैं लिंक कर देता हूँ अबाउट वाले पेज पे और इसको मैं लिंक कर देता हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। और उसके बाद सिंपल मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ उन्हीं की पोजीशन पे। तो अब ये प्रॉपर लिंक हो चुके हैं। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करूँ
और यहाँ पे मैं लिखूंगा विदाउट नेविगेशन। अब वो ऊपर वाला नेविगेशन जो है वो खत्म हो चुका होगा, यहाँ पे देखें ये वाले जो नेविगेशन है वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर मैं इस अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वाला नेविगेशन खुलेगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कॉन्टैक्ट वाला नेविगेशन खुल गया, ठीक है। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूँ अब वेबसाइट को, सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो भी सेटिंग्स जो कि मैंने पहले आपको बताई हैं वो सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं विद नेविगेशन, ठीक है। इसको आप विदाउट नेविगेशन रख लीजिए क्योंकि ये आपने नेविगेशन खुद से डिज़ाइन किया, अगर आप खुद से डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो विदाउट नेविगेशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप रिसाइज ऑन मोबाइल पर क्लिक कर दें ताकि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिव नज़र आए, ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट का URL होगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी वेबसाइट अगेन पब्लिश हो जाएगी। और अब ये URL आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह से इसको यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो, अपना वर्क, अपने ब्लॉग्स यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वेबसाइट का URL है और इसको अब इवन आप भी खोल लेना चाहें तो ये आपके पास भी इसी तरह से वर्क करेगी। या URL अगर आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको ये वेबसाइट शो होगी। तो ये मैंने एक मानता हूँ अनप्रोफेशनल सी वेबसाइट क्रिएट की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं आपको सिखा पाऊँ। इस तरह से आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।